नज़रों का कमज़ोर होना, आँखों का वीक होना, यह एक आज ऐसी एक एसेसरी हो गई है हर बच्चे के साथ, क्योंकि माँ बाप एक द्वंद में है कि ऑनलाइन क्लास चल रहे हैं, बच्चे को पढ़ाएं कि ना पढ़ाएं, और अंत में जवाब आता है कि पढ़ाना ही पड़ेगा, पढ़ाएंगे नहीं तो क्या करेंगे। तो इस कंपल्सन के कारण आपके बच्चे को जो आँख को नुकसान पहुँच रहा है, आई साइट को, उसके लिए, उसको रोकने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम ये नुस्खा आपके बीच आज लेकर आए हैं। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज ऑनलाइन का दौर है, ऑनलाइन पढ़ाई का दौर है, वीडियो गेम का दौर है, मूवीज़ का दौर है फ़ोन पर, और यह जो फ़ोन है यह हम लोगों के परिवार के बच्चों के लिए और हम सब के लिए बहुत घातक होता जा रहा है, और सबकी आईसाइट कमज़ोर होती जा रही है और हमारे पास कोई विकल्प नहीं बच रहा। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई छोड़ी नहीं जा सकती क्योंकि वही अब एक रास्ता है। आप देख रहे हैं कि वायरस का इन्फेक्शन अब दोबारा होने लगा है, लॉकडाउन फिर से इम्पोज होने लगा है कई जगह, और जो आगे स्कूल खुलने की उम्मीद थी, स्कूल कॉलेज की, वो भी बहुत कम होती जा रही है। तो ऐसी स्थिति में साथियों, कि जब आपको बच्चे को फ़ोन या कंप्यूटर पर ऑनलाइन क्लास कराना एक आवश्यकता बन गया है, उस स्थिति में जो आंखें कमजोर हो रही हैं उसको कैसे रोका जाए, यह हर अभिभावक के मन में सवाल है, और आज हम आपके इसी सवाल का जवाब देने के लिए यह वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। आप सब हमारे शुभचिंतक हैं, आप सब हमारे वीडियोस को देखते हैं, वॉच करते हैं, हमारे वीडियोस को लाइक करते हैं, हमारे वीडियोस को शेयर करते हैं, हमारे वीडियोस को समाज के अन्य लोगों को देखने को प्रेरित करते हैं, हमारे वीडियोस को आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारे चैनल को आप शेयर करते हैं, और आप ललायित रहते हैं हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हम आपके परिवार को कैसे भूल सकते हैं, आज उसी लिए यह वीडियो हमने बनाया है, और बहुत जल्दी हम होम्योपैथिक दवाओं पे भी, जो कंप्यूटर से बच्चों की आंखों पे स्ट्रेन पड़ रहा है, इसका वीडियो भी आपको एक दो दिन के अंदर बना के दे देंगे। बहरहाल, अभी की जो बात है कि कैसे बच्चों की आईसाइट को स्ट्रांग रखा जाए, क्योंकि यह आँखें आईना है, जो ये कमज़ोर हो गई तो सब कुछ कमज़ोर हो गया, और छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल के बच्चे, जिनको अभी पूरी दुनिया भी उन्होंने नहीं देखी है, और उनको जो देखने वाली ऑर्गेन है आँखों का, सेंस ऑर्गेन है आइस, वह ख़राब हो रहा है। आज हम साथियों आपको बताते हैं एक बेहतरीन नुस्खा जो आपके बच्चों की वीक आईसाइट को वीक होने से और वीक होने से रोकने में मदद करेगा, और अगर वह 6x6 है, ठीक है, तो उसको डेटूरेट ना होने में मदद करेगा। बहुत साथियों आसान नुस्खा है ये, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। साथियों, आपको लेने हैं 10 बादाम, 10 बादाम आपको लेने हैं छिलका समेत, 10 almonds, और आपको साथ में लेना है 2 चम्मच सौंफ यानी फिनिल सीड्स आपको 2 टेबल स्पून लेने हैं, और आपको लेना है 1 चम्मच शुगर कैंडी यानी कि मिश्री श्रेष्ठ होती है मीठे पदार्थों में, तो यह आपके बच्चे को नुकसान नहीं करेगी। आपको शुगर कैंडी 1 चम्मच लेनी है, इन तीनों चीज इंग्रीडियंट्स को आपको मिक्स कर लेना है, और इसको पाउडर फॉर्म में इसको क्रश कर देना है, कूट लेना है। कोशिश करिए ग्राइंडर में ना चलाइए साथियों, ग्राइंडर में चलाने से क्या होगा, उसका जो हीट जनरेट होती है आपका ब्लेड्स के घूमने से तेज़, वह आपके न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम कर देगी। अगर आप उसको क्रश करके कर लेंगे, इमामदस्ते में कूट लेंगे, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। अगर हमको स्वस्थ रहना है तो हमको अपनी पुरानी परंपरा पे लौटना पड़ेगा, यह बार बार हर वक्त साबित कर रहा है आपको।
आज हल्दी खाने वालों को ही इम्यूनिटी मजबूत रही, भारत देश में इम्यूनिटी मजबूत रही, कोविड 19 के उतने केस नहीं हुए जितने अन्य जगह हुए, जितने फर्टिलिटीज़ अन्य जगह हुई। अमेरिका जैसे विकसित देश, इटली जैसे विकसित देश में फर्टिलिटीज़ इंडिया से ज़्यादा हैं। हालांकि देश में अगर किसी एक व्यक्ति के भी परिवार में इस बीमारी से किसी को नुकसान पहुँचा है तो वह उस परिवार के लिए बहुत बड़ी बात है, और डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक उसके लिए संवेदना व्यक्त करता है और भगवान आपके परिवार को इस समस्या से लड़ने की शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना करता है। लेकिन साथियों, जो बात है कि बच्चों की आईसाइट ना वीक हो, इसके लिए आप इस चीज़ों को क्रश कर लीजिए और रात में सोने से पहले एक गिलास दूध में इसका एक चम्मच पाउडर डाल के, यानी जो आपने आलमंड, जो आपने फेनल सीड्स यानी सौंफ और शुगर कैंडी यानी मिश्री, इन तीनों चीज़ों का जो मिक्सचर बना के किया टाइट जार में रखा है, उसमें से एक चम्मच आप दूध में डालिए और बच्चे को पिला दीजिए। उसके दो घंटे बाद तक कुछ और मत दीजिएगा। इस नुस्खे को साथियों आप करिए, आप पाएंगे कि आपके बच्चे की आईसाइट स्ट्रांग होगी, उसका माइंड स्ट्रांग होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी। इस नुस्खे को आप साथियों करिए और हम सबको कमेंट पोर्शन में लिख के बताइए कि आप इससे लाभान्वित हुए कि नहीं। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, प्रयास करेंगे आपकी बात का उचित जवाब दे पाए। निवेदन करेंगे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को आपने सब्सक्राइब करा होगा अन्य साथियों से सब्सक्राइब कराइएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्त करते रहिएगा। अपने समाज के, अपने परिवार के, बच्चों और सबकी सलामती के लिए, वेलबींग के लिए आपका इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।